hi, I am an upcoming actor, Dilzan Wadia. I tell you something, my film name is A Bollywood Villa. The film is in 3D. Now the thing is, this film is in film. What is happening in Bollywood? आजकल बॉलीवुड में क्या होता है वही ये फिल्म में बताया गया है कि एक नए लोग आते हैं तो उनको किस तरह एक्सप्लॉइट होता है, क्या होता है, वही सारी चीज इस फिल्म में बताई गई है. Basically, myself is playing a young, energetic hero in the film. My film is a film in film. Film is about क्या बॉलीवुड में आजकल चल रहा है, जैसे नए बंदे आते हैं तो उनके साथ क्या होता है क्या नहीं. तो वही ये फिल्म है जिसमें नए लोग आते हैं, किस तरह एक्सप्लॉइट होते हैं, किस तरह, what is the industry about, वो सारा हमने इस फिल्म में बताया है. ये फिल्म की USB है कि दिस फिल्म इज़ अ 3D फिल्म. जो आजकल 3D फिल्म का ट्रेंड चलता है, तो एक अच्छी सी 3D फिल्म हमारे जो प्रोड्यूसर है दुर्गेश पॉल, उन्होंने बनाई है. फिल्म में काफ़ी अच्छे कलाकार है, और ये जो स्पेशल आइटम गर्ल के लिए हम लोग जो दो लड़कियों को लेकर आए, वन इज़ क्रिस्टिन मिस एडोरेबल पेरिस 2010, और एक है लीज़ा जो मिस गुड स्माइल फ्रॉम यूक्रेन. सो काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुश्ताक भाई, अरुण बख्शी. और एक USB है कि एक गाना आफ्टर तुन्ना तुन्ना संजय दत्त के साथ अरुण बख्शी ने फिर से ये गाना गाया मेरे साथ. सो मेरे लिए मैं बहुत, मतलब अपने लिए ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि ये गाना इन्होंने मेरे लिए गाया आफ्टर संजय दत्त. हो सकता है मैं भी संजय दत्त के लेवल तक पहुँचूँ. थैंक्स अ मिलियन, थैंक यू वेरी मच. ये गाना एक्चुअली, जिस तरह हर फिल्म में एक स्पेशल आइटम सॉन्ग होता है, दिस इज ऑल्सो स्पेशल आइटम सॉन्ग इन द फिल्म. ये गाना ऐसा है कि जैसे आपने काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे आइटम सॉन्ग्स देखे होंगे, तो आई एम श्योर ये भी उस लेवल में शामिल होता है. मेरा जो ये गाना है वो अमेजिंग सॉन्ग. प्लीज़ यू प्लीज़ कम एंड वॉच माई फिल्म. इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर मूवी बेस्ड ऑन बॉलीवुड इंडस्ट्री कि क्या होता है नए, जैसे मैंने आपको बताया नए लोग आते हैं उनके साथ क्या होता है, नए एक पूरी यूनिट फिल्म की शूटिंग के लिए जाती है और उनके साथ जो हादसे होते हैं उसके बाद जो परेशानी में पूरी यूनिट आती है, दैट्स अबाउट, दैट्स दैट्स अ फिल्म अबाउट.